हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स की कुछ चुनिंदा एडजस्टमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली जो एडजस्टमेंट है वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द अपर लिमिट ऑफ द कैपिटल विच अ बैंक इज सपोज टू इशू। दिस इज ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट। इससे ज़्यादा कैपिटल बैंक रेज नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक गिव्स अ सर्टन लिमिट विच इज़ कॉल्ड एज ऑथोराइज कैपिटल। अगर हमें ऑथोराइज कैपिटल दिया है तो हम ये शेड्यूल नंबर वन में लिखेंगे उसकी एंट्री, और ऑथोराइज कैपिटल के सामने जो भी अमाउंट रहती है वो शेड्यूल नंबर वन के टोटल को अफेक्ट नहीं करती है। हमें उसे डबल अंडरलाइन करके उसकी टोटलिंग को वहीं पर छोड़ देना है। इशूड कॉल द पेड अप, ये इस तरीके से उसकी फॉर्मेट की जाती है शेड्यूल नंबर वन की। उसमें ऑथोराइज इशूड कॉल द पेड अप हमें सारी चीज़ें भरनी रहती है। कॉल्ड अप इज द अमाउंट विच इज यूजुअली आस्क्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। वो जितना पे कर पाती है वो हमें मिलेगा अगर हम कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल सिनेरियोस को माइनस करते हैं। ओके, सो फाइनली या तो कॉल्ड अप कैपिटल की टोटलिंग हमें लेनी है या फिर अगर पेड अप दिया होगा तो पेड अप की। इन चारों में से सिर्फ एक की टोटलिंग हमें फाइनल स्केड्यूल नंबर वन की टोटलिंग में लेनी है। ओके, अभी हमारी जो सेकेंड एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिसिएशन की। अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें डेप्रिसिएशन का, तो डिक्शनरी की जो मीनिंग है उसमें ये दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। द वेरिएंट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के डेफिनेशन से हमें पता चल गया कि ये फिक्स एसेट की कीमत को क्या करेगा, उसकी वैल्यू को ये कम करेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को बताने के लिए उसकी एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए हमें उसको फिक्स एसेट्स जो हमारी शेड्यूल नंबर 10 में है उसमें से हम उसे माइनस कर देंगे। ओके, तो बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास एक चीज़ याद रखिए, एडजस्टमेंट करने के लिए इनर एंड आउटर कॉलम नहीं होता है। हमें वहीं पे जहाँ पे फिक्स एसेट की वैल्यू लिखी है उसके नीचे ब्रैकेट में इस डेप्रिसिएशन को माइनस करना रहता है। एक इफेक्ट तो दे दिया शेड्यूल नंबर 10, खुद का डेबिट बैलेंस था, डेबिट में से हमने माइनस कर दिया, मतलब कौन सा इफेक्ट हमने दे दिया, उसका क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। अब ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट्स की दो इफेक्ट्स देनी है, तो दूसरा इफेक्ट हम लोग कहाँ पे देंगे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज शेड्यूल नंबर 16 का खुद का कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट। ओके, यहाँ पे आपने क्रेडिट दे दिया, अभी आपको कौन सा देना है, डेबिट इफेक्ट देना है। तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज शेड्यूल नंबर 16 में ये लिख के बता देंगे डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। ओके, द थर्ड एडजस्टमेंट विल बी रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बैंक्स यूजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, हो सकता है कि वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रही है, गवर्नमेंट के किसी तो भी डिपॉजिट्स में पैसा लगा रही है, ये सारी की सारी बैंक की इन्वेस्टमेंट्स रहती है। खरीदी रहती है इन्वेस्टमेंट किसी पहले डेट पे, लेकिन आज अगर हम अकाउंटिंग जब उसकी पूरी कर रहे रहते तो हमें उसकी रिवैल्यूएशन करनी रहती है। रिवैल्यूएशन करते समय या तो उसकी कीमत बढ़ सकती है या फिर उसकी कीमत घट सकती है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट चेंज, मार्केट प्राइस। अगर उसकी कीमत जो है इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ती है, वी कॉल इट एज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की अगर कीमत बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट हमने कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है, शेड्यूल नंबर 8 में, तो उसकी कीमत बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट की कीमत क्या हो जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा टू गेट इट टू द मार्केट वैल्यू। ओके, एक तो इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ रही है तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, जी प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे बताएंगे, शेड्यूल नंबर 13 और 14, ये दो हमारे पास इनकम है, लेकिन 13 रेस्ट्रिक्ट करता है खुद को इंटरेस्ट की ओर से, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट लिखा जाता है, तो बचा कौन सा, 14। तो हम लोग 14 जो अदर इनकम है प्रॉफिट होने के कारण हम 14 में भी उसे क्या करके बताएंगे, प्लस करके बताएंगे। ओके, उसके बाद है हमारी अगली एडजस्टमेंट, या फिर हम कह सकते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का ही बी पार्ट हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे तो इंक्रीज हो गई, लेकिन दोनों सिचुएशंस हमें देखनी है। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हमें दिखाना है तो क्या करेंगे, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, हमारी इन्वेस्टमेंट की कीमत को कम करना है तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा हुआ है, शेड्यूल नंबर 8, कम करना है तो क्या करेंगे, हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे। तो शेड्यूल नंबर 8 में से माइनस कर रहे, शेड्यूल नंबर 8 खुद का कौन सा बैलेंस था, डेबिट, उसमें से माइनस कर रहे, मतलब कौन सा इफेक्ट दे दिया, क्रेडिट। अभी कौन सा देना है, सेकेंड इफेक्ट के लिए हमें डेबिट इफेक्ट देना है।
तो बट ऑब्वियस जैसे इसको शेड्यूल नंबर 14 में बताया था वैसे ही हमें शेड्यूल नंबर 14 में जाना है, विच इज अदर इनकम्स। अदर इनकम का खुद का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट तो हम पहले ही दे चुके, अभी मुझे डेबिट देना है, तो डेबिट कैसे देंगे? तो क्रेडिट में से अगर हम माइनस करते हैं तो हम उसे डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं। एक क्रेडिट एक डेबिट, हमने दोनों इफेक्ट्स दे दिए हैं। ओके, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, विच इज एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट्स एंड बिल फॉर कलेक्शन। एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट एंड बिल फॉर कलेक्शन, इन तीनों ही केस में बैंक एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी। ये बैंक की फंक्शंस है जो बैंक अपने कस्टमर्स को रेंडर करती है। इसमें क्या हो जाता है, अगर बैंक का कस्टमर है ए और उसको बी से कुछ पैसा लेना है, तो वो बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप मेरे लिए ये काम करके दे दीजिए। बैंक क्या करता है, इसकी रिक्वेस्ट पे इससे पैसा लेके वो वापस ए को दे देता है। बैंक के हाथ में कुछ रहा क्या? नहीं रहा। क्या ये बैंक के लिए इनकम हुआ क्या? नहीं रहा। बैंक ने सिर्फ अपनी सर्विसेज रेंडर किए टू ए एंड बी। इस केस में बैंक इज नीदर द गेन, नीदर गेन्स एनीथिंग नॉर लूजेस एनीथिंग। बैंक डजेंट रिसीव एनीथिंग नॉर इट इज गिविंग एनीथिंग। हेंस इट कम्स टू शेड्यूल नंबर 12, विच इज कंटिंजेंट लियाबिलिटीज। ओके, सो एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड बैंक बिल फॉर कलेक्शन, ये अगर हमें एडजस्टमेंट्स में दी जाती है तो हम इसका इफेक्ट बताएंगे कंटिंजेंट लियाबिलिटीज, विच इज शेड्यूल नंबर 12। ओके, टू प्रोसीड विथ आर नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स विच वी टेक एज रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। सो आई टेक इट एज अ फिफ्थ वन, विच इज रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ओके, तो ये रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है कि बैंक हम वापस ले रहे, बैंक एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी। ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास एक बिल है और उसकी डेट है 1 मार्च। हम 1 मार्च न लेते हुए वी टेक इट एज 1 मई 2020। ओके, बिल के ऊपर डेट कौन सी पड़ी है? 1 मई 2020। ओके, और आज की तारीख है 1 मार्च 2020। अभी भाई इसको बहुत जल्दी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। मिस्टर ए, मिस्टर ए इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, इट अप्रोचेज द बैंक एंड आस्क द बैंक एंड रिक्वेस्ट द बैंक कि भाई मुझे पैसा चाहिए। ये जो बिल था, सपोज वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, 50,000 का बिल था। बैंक के पास जाता है ए और बोलता है सर मुझे 50,000 दे दीजिए। बैंक क्या देखेगा, डेट, बोलेगा इट्स ऑन 1 मई, मैं आपको अभी कैसे पैसे दे सकता हूँ। सो बैंक इज एडवांसिंग द मनी टू मिस्टर ए, तो बैंक इसके लिए अपने पास कुछ तो भी कमीशन के तौर पे कट करके रख लेगा, विच इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, 50,000 में से हो सकता है बैंक 5,000 कट करके बचे हुए जो 45,000 है ये मिस्टर ए को दे देता है। मिस्टर ए को उसके समय के पहले पैसा मिल जाता है और बैंक उसे एडवांस दे रहा है, तो बैंक उसमें से 5,000 कट करके रख जाता है। अब ये जो 5,000 है ये बैंक की इनकम हो गई, लेकिन ये जो इनकम है ये इस पूरे पीरियड के लिए है, राइट फ्रॉम 1 मार्च टू 1 मई। लेकिन हमारा अकाउंट्स जो है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं 31 मार्च को। अगर मैंने 31 मार्च 2020 को हमारा अकाउंट्स पूरा कर दिया, इसका मतलब ये जो 5,000 है ये पूरे पीरियड के लिए थे, लेकिन मुझे कितना मिलना चाहिए था, व्हाट आई एम एक्चुअली सपोज टू गेट इज, आई एज अ बैंक इज सपोज टू गेट ओनली 2,500। मुझे सिर्फ 2,500 इसका आधा कर लिया मैंने, तो ऑन एन एवरेज देख लिया कि 2 महीने का 5,000 है तो 1 महीने का 2,500 हो जाएगा और अगले महीने का 2,500। तो क्या ये 2,500 मुझे मिलना चाहिए था 31 मार्च तक? नहीं, मतलब ये जो 2,500 है ये मैंने क्या कर लिया है, प्री रिसीव्ड कर लिया है। ये मेरा इनकम मैंने पहले ही ले लिया है, पीरियड समय से पहले ले लिया है, ये प्री रिसीव्ड इनकम हो गया मेरा। अब ये प्री रिसीव्ड इनकम ये मेरे सिर के ऊपर एक कर्जा हो जाता है, तो ये जाएगा इसका इफेक्ट स्केड्यूल नंबर 5 में, विच इज करंट लियाबिलिटीज एंड प्रोविजंस, या फिर अदर लियाबिलिटीज एंड प्रोविजंस, उसमें मैं ये बता दूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए प्री रिसीव्ड इनकम हो गया है। तो शेड्यूल नंबर 5 में हमने उसका इफेक्ट दे दिया। अभी दूसरा इफेक्ट देना है, तो दूसरा इफेक्ट हम कहाँ देंगे? दूसरा इफेक्ट हम लोग देंगे उसका शेड्यूल नंबर 13, जो हमारा है इंटरेस्ट अर्न्ड
उसमें से हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब क्यों माइनस किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, शेड्यूल नंबर 5 उसका कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे उसको कौन सा इफेक्ट दे दिया, जब हम प्लस कर रहे हैं तो वही इफेक्ट हो जाता है, हमने उसको यहाँ पे क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। अभी कौन सा देना बाकी है, डेबिट। तो हम जब शेड्यूल नंबर 13 की ओर जाते हैं तो शेड्यूल नंबर 13 का खुद का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। तो हमने तो क्रेडिट ऑलरेडी दे दिया है, हमें 14 इसका डेबिट इफेक्ट देना है, तो हम क्या करेंगे, 13 में से माइनस कर देंगे। क्रेडिट में से जब माइनस होता है इट मीन्स वी आर गिविंग अ डेबिट इफेक्ट टू इट। ओके, सो हमने क्रेडिट इफेक्ट भी दे दिया, डेबिट इफेक्ट भी दे दिया, दिस सफाइसेस द मैटर। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट एडजस्टमेंट विच इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है ये यूजुअली स्टेशनरी के साथ या फिर पोस्टेज के साथ ये एडजस्टमेंट आ जाती है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का मतलब क्या हो जाता है कि हमने भाई एक स्टेशनरी का गट्ठा खरीद लिया है, जो भी हमने खरीद लिया वो हम लोग हमारे स्केड्यूल नंबर 16 में लिख लेते हैं, जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये मेरा खर्च हो गया इसलिए मैंने इसको पूरे का पूरा शेड्यूल नंबर 16 में लिख दिया है। लेकिन अभी सपोज ये हमने 10,000 का खरीदा था, लेकिन 10,000 का मैंने पूरा का पूरा यूज नहीं किया है। हम कौन है, हम बैंक है, हमारा कुछ तो भी स्टेशनरी इसमें से रह जाता है, व्हाट इज कॉल्ड एज अनयूज्ड। ये हमने यूज ही नहीं किया, अनयूज रह गया, तो मतलब मेरा पैसा इसमें ब्लॉक हो गया। मेरा पैसा जिस चीज में ब्लॉक है उसे हम कहेंगे हमारी एसेट। क्या लेकिन ये मेरी फिक्स एसेट है, नहीं। तो ये मेरी अगर फिक्स एसेट्स नहीं है तो मैं इसे कहूंगी मेरी अदर एसेट। अदर एसेट का मेरा शेड्यूल नंबर है, बोलिए, दिस इज शेड्यूल नंबर 11। सो आई विल एड इट इन शेड्यूल नंबर 11। सेकेंड इफेक्ट देना है, ये तो मेरा खर्च नहीं था पर मैंने गलती से उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया था, गलती से कहो या उस समय उसकी जरूरत थी इसलिए मैंने उसको एक्सपेंसेस में लिखा था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो शेड्यूल नंबर जो 16 है हमारा, उसमें से हम लोग इसे माइनस करेंगे। देखिए 16 का कौन सा बैलेंस था, डेबिट। डेबिट में से माइनस किया मतलब हमने कौन सा इफेक्ट दे दिया है, क्रेडिट। और शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट्स, उसका कौन सा बैलेंस था, डेबिट। डेबिट में ऐड कर दिया मतलब डेबिट। एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट, हमने एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। टिल देन, बाय।